ग्रेप्स, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं लेयरिंग के, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस हम इनको करवा सकते हैं. देन वॉट आर द एडवांटेजेस, हम क्यों करवा रहे हैं, वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो यू राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस पैराग्राफ, पेज नंबर 131 है, एंड लास्ट पैराग्राफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो कि प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड. सीड से अगर प्लांट को ग्रो करेंगे इट विल टेक टाइम, स्टेम लगाएंगे तो जल्दी उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाएंगे. एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स. वो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं उनको कैसे ग्रो करेंगे, तो दे कैन बी ग्रोन बाय दिस मैथड. थर्ड, दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मीन्स हमको बिल्कुल वो की वो ही क्वालिटी चाहिए, नो वेरिएशन वी वॉन्ट. बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लांट है तो वी विल अडॉप्ट दिस मैथड. अभी आई वॉज टेलिंग यू कि लीव्स का एक एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है ना, लीव से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, दैट इज ब्रायोफाइलम. लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस बाय दिस मैथड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ. तो क्या होता है इसमें, इस तरह से आप देखो, ये दिस इज द मार्जिन, ये मार्जिन है प्लांट लीफ का, इसमें ऐसे नॉचेस बन जाते हैं, ये दीज आर द नॉचेस फॉर्म्ड ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ एंड दे फॉल डाउन, यहाँ से अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे एंड दे विल, व्हेन दे फॉल डाउन इन द लीफ इन द सॉइल दे गिव राइज टू न्यू प्लांट. ओके चिल्ड्रन, वन मोर थिंग यू कैन, वी कैन डिस्कस, दैट इज टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लेबोरेटरी. हम कह सकते हैं कि सपोज कोई प्लांट है, उसमें से थोड़े से टिश्यूज हम लेकर उसको आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाएंगे, देन वी विल प्रोवाइड सम अदर हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिशन सो दैट इट विल गिव राइज टू लीफ, रूट एंड स्टेम. अब छोटा सा एक प्लांटलेट तैयार हो जाएगा लेबोरेटरी में एंड देन इट विल बी सोन इन टू द सॉइल. तो इस तरह से टिश्यू कल्चर भी होता है. द लास्ट थिंग ऑफ ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन. अब स्पोर फॉर्मेशन की हम अगर बात करें तो राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे. ब्रेड मोल्ड तो हाउ इट रिप्रोड्यूसेस वो भी देख लेते हैं. तो जैसे कि यहां पे डायग्राम बना हुआ है, दिस इज डिफरेंट, ये जो कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड हाइफी. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, हाइफी. ये एक फंगस है, ब्रेड मोल्ड एक फंगस है. जब ब्रेड खराब हो जाता है तो उसमें जो फंगस आ जाता है उसी को हम राइजोपस कहते हैं. एंड दीज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हाइफी कहलाते हैं. दिस इज स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम. ठीक है, जब ये बर्स्ट होगा तो सम स्पोर्स विल बी रिलीज्ड फ्रॉम इट एंड दीज स्पोर्स व्हेन गेट द फेवरेबल कंडीशन विल गिव राइज टू न्यू राइजोपस. क्लियर, तो दिस इज हाउ दिस रिप्रोड्यूसेस. तो ये स्पोर फॉर्मेशन एंड ये हाइफी है. और जब बहुत सारे ये नेटवर्क ऑफ हाइफी मिलाकर पूरा ऑल दीज हाइफी कंबाइंड टू फॉर्म माइसीलियम. ओके, तो दिस इज हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन राइजोपस. सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज वी हैव सीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इफ वी कंपेयर एसेक्सुअल विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट वी फाइंड के इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल वॉज रिक्वायर्ड, सिंगल पेरेंट वॉज रिक्वायर्ड एंड वी हैव सीन दैट देयर वर वेरिएशन ड्यू टू डीएनए एरर इन डीएनए कॉपिंग, है ना, ये भी हमने देखा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट हायर ऑर्गेनिजम्स, तो वी कैन सी दैट देयर आर टू मेनी वेरिएशन इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स. हम देखते हैं कि बुल्स कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काव्स सिंगली, मतलब अलोन बुल कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स, मीन्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू इंडिविजुअल्स टू डेवलप इंडिविजुअल या टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. नाउ व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनिजम्स, जरूरत क्यों हुई.
एक्चुअली हमने देखा कि वेरिएशंस बहुत ही स्मॉल वेरिएशंस हो रहे हैं, है ना। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस थे देवर वेरी स्मॉल, ठीक है, थोड़ा सा वो हेल्पफुल थे, बट फॉर मोर सक्सेसफुल सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज दे आर नॉट सफिशियंट, मतलब दोज वेरिएशंस आर नॉट सफिशियंट। तो ज्यादा वेरिएशंस कैसे आएंगे जब, और मतलब ज्यादा सक्सेसफुल सर्वाइवल कैसे होगा जब ज्यादा वेरिएशन होंगे। तो वी सॉ दैट ओनली ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग जो स्मॉल वेरिएशंस आए थे। अगर दो इंडिविजुअल्स होंगे और उनके इन्वॉल्वमेंट से अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो जो वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन हुआ था दैट विल लीड टू मोर वेरिएशंस एंड दैट विल लीड वेरिएशन मोर वेरिएशंस विल लीड टू मोर सक्सेसफुल सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। तो हम ये समझ सकते हैं कि ओनली जैसे कि हमने देखा कि एरर्स वर नॉट सफिशियंट एंड द एरर्स वर वेरी लेस, और अगर ज़्यादा एरर्स हो गया, ज़्यादा चेंजेस आ गए तो क्या होगा, द सेल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो द ऑर्गेनिजम्स स्विच्ड टू, या हम कह सकते हैं दे अडॉप्टेड द मैथड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच लीड टू मोर वेरिएशंस, ज़्यादा वेरिएशंस आ पाए उससे और उसी से उनको बेनिफिट हुआ। Now as we see, when we talk about the two individuals, ki two individuals are involved, hai na? And we also have seen in asexual reproduction, DNA copying mechanisms were not absolutely correct. So how can the process of making variants be speeded up? Ab wo jo variations the bahut hi slow the, bahut hi generation by generation, bahut slow variations aayenge. So how they can be speeded up? So unko speed up karne ke liye bhi sexual reproduction adopt karne ki जरूरत महसूस हुई, ठीक है। सिंस ऑल दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स, इट इज अश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट। सो इसका कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है। एंड व्हेन द वेरिएशंस विल बी कंबाइंड, तो कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएंट्स। तो ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नॉवल, दैट मीन्स न्यू, सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन incorporate such a process of combining DNA from two different individuals. तो क्या होगा, अब single DNA नहीं होगा, two different individuals से हमने DNA को combine करवाया है। आप page number 133 पर हम पढ़ रहे हैं, just see this paragraph. So this creates a major difficulty if each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up in the twice amount of DNA. अब क्या होता है, देखो हम कह रहे हैं कि टू इंडिविजुअल्स के डीएनए कंबाइन होंगे, ठीक है, दोनों के डीएनए डुप्लीकेट होंगे, ठीक है, एंड दे विल कंबाइन। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द पेरेंट विल बी डबल्ड, ठीक है। अगर उनके दोनों के डीएनए कंबाइन हो गए तो क्या होगा, उनका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। अब ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल स्पीशीज हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीएनए या फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होना जरूरी है। तो हाउ टू ये प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जा सका, तो फॉर दैट द मैथड इज वॉट हमने पढ़ा है, जैसे कि वेन द गैमेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, वेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड, और जब न्यू सेल्स बनते हैं, गैमेट्स आर फॉर्म्ड, तो दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट इज इफ एन इंडिविजुअल हैज, सपोज ह्यूमंस की बात करते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी के हर सेल में, एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम, दैट इज 23 पेयर, बट इन द गैमेट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन आर बॉडी दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एवरी गैमेट विल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड व्हेन दीज गैमेट विल फ्यूज विद द, सपोज मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, तो क्या होगा, दोनों में हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट मीन्स हाफ अमाउंट ऑफ डी एन ए है। तो देन व्हेन दे विल फ्यूज टुगेदर, तो क्या होगा, द एक्चुअल नंबर या एक्चुअल अमाउंट ऑफ डी एन ए विच वॉज इन द पेरेंट इट विल बी रिस्टोर्ड। समझ रहे, अगर जितना 46 था उतना का उतना ही वापस हैप्लॉइड गैमेट्स जब फ्यूज होंगे तो वी विल द जायगोट विल एबल टू रिस्टोर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डीएनए या एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये चीज है कि वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। वन सॉल्यूशन दैट मेनी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव स्पेशल सेल्स या स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कि गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, दे हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ
जेनेटिक मटीरियल, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो हमारे बॉडी के बाकी सेल्स हैं उनमें तो 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे एंड इन आर गैमेट्स 23 क्रोमोसोम्स विल बी देयर. तो दैट मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी देयर. तो ये कैसे हो पाया? तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिविजन होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं. ठीक है, इसका और डिटेल हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यू शुड रिमेंबर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन आर देयर, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं जो कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. दैट सेल डिविजन इज कॉल्ड माइटोसिस, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है पेरेंट सेल का भी और न्यूली फॉर्म सेल का भी. ठीक है, जैसे कि जायगॉट है, जायगॉट एक सिंगल सेल है. जब जायगॉट में सेल डिविजन होते हैं, पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तब माइटोसिस ही होता है. लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस होता है. दैट मीन्स द न्यूली फॉर्म्ड सेल विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए पेज नंबर 134 पे, व्हाट विल हैपन इफ डीएनए अमाउंट विल नॉट बिकम हाफ फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इफ आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अमाउंट ऑफ डीएनए विल नॉट बिकम हाफ फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. यू विल बी राइटिंग दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 134. ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके सामने आप ये क्वेश्चन लिखे एंड द आंसर यू विल गेट कि सेकेंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन है, दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस बाय द डीएनए. तो द आंसर यू विल गेट हियर क्या होगा, एवरीथिंग विल बी मेस अप, सारा कुछ मिक्स हो जाएगा एंड जो नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा एंड दैट उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा इंडिविजुअल. तो दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस ऑफ द डीएनए. तो यू कैन सी ये जो गैमेट्स बनते हैं इनको जर्म सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, जर्म सेल्स. तो व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, इट रिजल्ट्स इन री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन. तो पहले तो हाफ होंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में, फिर फ्यूज होने के बाद क्या होगा, वापस से वही नंबर रिस्टोर हो जाएगा. You can write one more question on the page number 133 पर भी एक question लिख लीजिए. What is sexual reproduction? ठीक है, page 133 पर जहाँ पे दिया हुआ है why sexual mode of reproduction, तो write one question here. What is sexual reproduction? And the answer you will get on page number 140. पेज नंबर 140 पे ये पॉइंट्स गिवन है, व्हाट यू हैव लर्न्ड, इसका 8 पॉइंट है. ठीक है, क्वेश्चन तो क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द आंसर यू विल गेट इन द 8 पॉइंट ऑफ दीज पॉइंट्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड मार्क द आंसर. नाउ कम बैक टू द टॉपिक. तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट कि हाउ प्रोजेनी इज फॉर्म्ड इन द सेक्सुअल थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाउ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रीस्टोर्ड, किस तरह से रीस्टोर होता है. लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक. तो एज आई टोल्ड यू कि किस तरह से नाउ हाउ जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्म सेल्स. वी नो चिल्ड्रन कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में एंड मेल इंडिविजुअल विल गिव राइज टू मेल गैमेट्स एंड फीमेल इंडिविजुअल विल गिव राइज टू फीमेल गैमेट्स. नाउ देयर वुड बी सम डिफरेंस ऑल्सो, इनमें कुछ डिफरेंसेज होते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन देम. नाउ फर्स्ट सी दैट व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल टेक प्लेस, तो क्या होगा, जायगॉट विल फॉर्म. ठीक है, जायगॉट बनेगा. इफ द जायगॉट इज टू ग्रो एंड डेवलप इन टू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज हाईली स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन्स, तो इट हैज टू हैव सफिशियंट एनर्जी. ठीक है, इन एवरी सिंपल ऑर्गेनिज्म टू जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड. अब देखिए वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू जर्म सेल्स. तो वन जर्म सेल मार्क कर लीजिए, द वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स एंड वाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल.
अब ये बताऊंगी मैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है. तो वन जर्म सेल कैसा है, लार्ज है और वो फूड स्टोर भी करता है, ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज द स्मॉलर एंड इट इज लाइकली टू बी मोटाइल, मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म इज सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट, ठीक है. मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट. तो फीमेल गैमेट थोड़ा लार्ज भी होता है और फूड स्टोर करता है और नॉन मोटाइल होता है. वेयर एज मेल गैमेट इज स्मॉल इन साइज एंड इट डज नॉट स्टोर फूड एंड इट इज मोटाइल, ठीक है. तो ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में डिफरेंस है. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब हम बात करते हैं पहले फ्लावरिंग प्लांट्स. अभी तक हमने जनरल बात की कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल हैपन या व्हाट आर द प्रिपरेशंस फॉर इट, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ एज वी सी देर आर टू मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स अराउंड अस और हम देखते हैं फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है. तो एज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना रोज, आपने देखा होगा इट हैज़ कलरफुल पेटल्स, ठीक है. तो अब देखिए ये पेटल्स हैं जो हैं ये सेपल्स कहलाते हैं. वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट कि सेपल्स और पेटल्स के लिए कुछ और भी नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम है. लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दोज नेम्स ऑल्सो. सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स भी कहते हैं, ठीक है. ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स. सिमिलरली ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ओके. देन ये स्टेमन, तो कलेक्शन ऑफ स्टेमन को हम एंड्रोशियम कहते हैं. एंड कलेक्शन ऑफ पिस्टल्स इज कॉल्ड गाइनोशियम. ठीक है, तो दीज आर द मेन फोर वर्ल्ड्स ऑफ अ फ्लावर. अब इनमें से कैलेक्स एंड करोला आर द एसेसरी वर्ल्ड्स कह सकते हैं हम, जो बस हेल्पिंग है. बट जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट, दोज पार्ट्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन आर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, दैट मीन्स स्टेमन एंड पिस्टल. ये पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ वी कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम स्टेमन समझें तो स्टेमन ये वाले पार्ट जो ये दीज आर द स्टेमन्स, है ना, जिसमें कि सपोज मैं आपको अलग से बनाकर बताती हूँ. दिस इज द फिलामेंट एंड इट हैज एंथर, ठीक है. बोथ दिस विल फॉर्म स्टेमन. तो दिस इज स्टेमन. सिमिलरली अगर हम इसको अलग कर लें पिस्टल को, तो इट हैज थ्री पार्ट्स. दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो दिस विल फॉर्म पिस्टल, ठीक है. इसी को कार्पल भी कहते हैं, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कार्पल. तो दीज आर द टू रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. इफ अ फ्लावर हैज ओनली मेल और फीमेल, किसी फ्लावर में अगर सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो दैट फ्लावर विल बी कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल, ठीक है. दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल. एंड इफ अ प्लांट, इफ अ फ्लावर हैज बोथ, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो दिस काइंड ऑफ फ्लावर विल बी कॉल्ड एज बायसेक्सुअल. लुक एट द पॉइंट्स व्हिच आर गिवन इन योर बुक्स. जैसे कि हम देख रहे हैं दीज आर द फोर पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड द पिस्टल्स, ओके. देन द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, ये मार्क कर लो आप लोग. फॉर एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन. कब होगा यूनिसेक्सुअल? व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और पिस्टल, एक चीज होगी. एंड इट विल बी कॉल्ड एज बायसेक्सुअल. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज कहते हैं, मस्टर्ड, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल. क्लियर? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस. स्टेमन में क्या प्रोड्यूस होंगे? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है. पॉलन ग्रेन्स कभी आप देखेंगे किसी भी फ्लावर की को ऐसे डस्टिंग करके देखेंगे, तो उसमें से कुछ पाउडरी सब्सटेंस निकलता है, तो दैट पाउडरी सब्सटेंस आर द पॉलन ग्रेन्स. एंड दीज पॉलन ग्रेन्स, जैसे चाइना रोज के केस में येलोइश कलर के होते,
एंड दे विल स्टिक टू योर हैंड इफ यू डस्ट इट. देन पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इट इज द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एज आई हैव एक्सप्लेन यू इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स. तीन पार्ट्स से ये मिलकर बना हुआ है. वो पार्ट्स हैं स्वॉलन जो पार्ट है वो स्टिग्मा, ठीक है ना. दिस इज स्टिग्मा, देन दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द बेसल. जो स्वॉलन पार्ट है वो ओवरी है. क्लियर. नाउ लेट अस सी के वी सी दैट स्टेमेंस में तो क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट्स एंड इनसाइड द ओवरी फीमेल गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. नाउ एज वी हैव सीन कि स्टेमेंस में एंथर होंगे और एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे. पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो यू शुड नो दिस. नाउ व्हेन द बोथ द गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू जायगॉट. तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज जायगॉट. व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस तो जायगॉट इज फॉर्म्ड. ऑन पेज नंबर 135, ठीक है. तो यू कैन राइट वन क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन लिखिए, हाउ जायगॉट इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स. पेज नंबर 135, हाउ जायगॉट इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स. मार्क द आंसर, यहां से मार्क कर लीजिए. द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल. दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू जायगॉट. तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ जायगॉट इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स. तो दिस इज द वे हाउ जायगॉट इज फॉर्म्ड. नाउ लेट अस प्रोसीड. अब क्या होगा, जब गैमेट्स बन जाते हैं तो गैमेट्स को मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन. ओके, तो वॉट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट. सो द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा. तो स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचाना है. इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑकर्स इन द सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर. सपोज द फ्लावर इज बायसेक्सुअल और उसी फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन को पहुंचाना है, तो दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन विल बी कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, इट इज रेफर्ड टू एज सेल्फ पॉलिनेशन. ऑन द अदर हैंड, इफ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनादर, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन इज वॉट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है. एक तो ये बात हो गई. एंड सेल्फ पॉलिनेशन कब, वेन द फ्लावर इज सेम फ्लावर के स्टेमन से मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच गया. एंड इफ द पॉलन इज कमिंग फ्रॉम सम अदर फ्लावर, तो इट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ द डिफरेंट एजेंट्स विच हेल्प इन द पॉलिनेशन आर लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स. तो दे आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. आफ्टर पॉलन, अब क्या होगा, सपोज सेम स्पीशीज का भी होना जरूरी है ना. सेम स्पीशीज का पॉलन इफ स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है तो वॉट विल हैपन फर्दर. तो आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, सुटेबल स्टिग्मा मीन्स जो सेम स्पीशीज के फ्लावर पे के स्टिग्मा पे अगर लैंड कर जाता है, तो नाउ वॉट हैज टू बी डन, क्या होता है इसमें, देखिए विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सी दिस डायग्राम. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉलन है, दिस इज द पॉलन, इट हैज लैंडेड ओवर द स्टिग्मा. अब स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, तो पॉलन इसके ऊपर आकर चिपक जाएगा. देन पॉलन ट्यूब बनती है, ये देख सकते हो आप, मैं इसको मार्क कर देती हूँ. दिस इज द पॉलन ट्यूब, ठीक है. ये स्टिग्मा से होती, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी से होते हुए ये इट विल कैरी, दिस पॉलन ग्रेन विल कैरी मेल गैमेट्स इनटू इट एंड दिस मेल गैमेट विल बी ट्रांसफर्ड टू द फीमेल गैमेट. जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, यहाँ तक ये एग सेल होता है, एक वन एग सेल इज देयर. हेयर क्या होगा, मेल गैमेट विल बी सेंट, मेल गैमेट यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है. अब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं एक शॉर्ट में कुछ आपको बताना चाह रही थी कि सपोज समटाइम्स ऑल दो इट इज़ नॉट इन योर बुक, पर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन ऐसा कई बार सुनने में आता है. तो ये एक्चुअली मेल गैमेट्स आर टू मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है.
बट इन आर बुक ओनली दिस मच इज गिवन, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मच ओनली. तो मेल गैमेट या मेल जर्म सेल्स इज रीचिंग अप टू द ओवरी और यहाँ पे फ्यूजन होता है. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट गिव राइज टू जायगोट. दिस इज वॉट. तो आफ्टर दिस वॉट हैपन, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा. जायगोट से इट विल गिव राइज टू सीड एंड फ्रूट, दोनों फॉर्मेशन हो जाएंगे. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग, वॉट इज जर्मिनेशन. ठीक है, जर्मिनेशन क्या होता है? जायगोट बनने के बाद जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. ओव्यूल में ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट. ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज द फ्यूचर सीड. तो सीड फॉर्मेशन के लिए इसमें बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं. द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इन टू अ सीड. सीड बन जाएगा. द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट. तो दो चीजें आप याद रखिए, ओव्यूल गिव राइज टू सीड एंड ओवरी गिव राइज टू फ्रूट. आप मार्क कर सकते हैं ये लाइन को. ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीड एंड द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड फॉर्म्स अ फ्रूट. ठीक है, अब जब ये प्रोसेस चल रहा है तो मीनवाइल व्हाट हैपेंस, पेटल्स, सेपल्स, स्टैमेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा ये सब गिर जाते हैं. दे फॉल ऑफ फ्रॉम द फ्लावर. ये सब हट जाते हैं और उस जगह पे क्या आ जाएगा? फ्रूट आ जाएगा. तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? कभी कभी किसी में रह भी जाता है. ठीक है, ओके. नाउ सीड फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, तो सीड फॉर्मेशन, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट ऑफ एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग. तो सीड क्या है? इससे नया प्लांट बनेगा. तो इट कंटेन्स ऑल द रिजर्व फूड एंड इट विल गिव राइज टू द सीडलिंग. मतलब एक छोटा सा प्लांट बनेगा अंडर द फेवरेबल कंडीशंस. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. तो हमारा नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चन भी यही है. पेज 135 पे यहाँ पे ये जो थर्ड पैराग्राफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज जर्मिनेशन, एंड यू कैन मार्क दीज लाइन फॉर दिस आंसर. तो द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. थोड़ा सा हम ये सीड का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं. डायकॉट सीड इज गिवन, रेफर टू दिस फिगर. जर्मिनेशन शो कर रहा है ये. एक्चुअली इट हैज, ये डायकॉट सीड है, जैसे ग्राम या पी का सीड होता है ना. दीज टू आर कॉटिलेडन्स. ये दोनों कॉटिलेडन्स हैं. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. ठीक है, अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसका अपर पार्ट प्लूम्यूल, इट इज नोन एज प्लूम्यूल विच गिव राइज टू शूट. And the lower part is the radicle which give rise to root. Okay. And the outer part, जो seed का outer part होता है वो tough coat होता है जिसका. तो it has two coats, testa and tegmen. तो this is the structure of seed. Now this was about the plants. Now we'll start about the reproduction in human beings.